हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टैलेंट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित 2018 का हिंदी का 50 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, आप भी देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, चार क्वेश्चन अति मलिन वृषभानु कुमारी अधोमुख रहित उरद नहीं चितवत ज्यो गत हारे चकित जुआरी छूटे चिहुर बदन कुम्हिलाने ज्यो नलिनी हिमकर की मारी। इस पंक्ति में कौन सा रस है? हास्य करुण विप्रलम्ब श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे जो ये यहाँ पर श्रृंगार हुआ है वो कौन सा है, ये आपका है सी विप्रलम्ब श्रृंगार। क्लियर। और दोस्तों, यहाँ पर कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछता है कि वो वर्तनी वर्तनी वाले एक क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपके श्रृंगार लिखा रहेगा, तो आपके श्रृंगार में कई तरह से कहीं छोटा सा का प्रयोग हुआ रहेगा, कहीं श्रा का प्रयोग हुआ, लेकिन यहाँ पर श्रृंगार ऐसे ही लिखा जाता है। ये देख रहे हैं, यहाँ देखिए ये श्रृंगार, तो श्रृंगार ऐसे ही आपको वर्तनी में ऐसे ही दे देगा तो पूछेगा कि श्रृंगार कैसे, तो ये आपका सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। रस कितने प्रकार के होते हैं? 3, 7, 8 और 9। तो दोस्तों, 52 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका रस, यहाँ पर 9 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि भरत मुनि जो कि रसों की संख्या 8 बताते हैं, और कुछ विद्वानों के अनुसार रसों की संख्या 9 है, और कुछ विद्वानों के अनुसार रसों की संख्या 11 हो जाती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही तरह से कह सकते हैं टिपिकल क्वेश्चन होता है इस टाइप के। तो इसको जब भी आप हम हिंदी व्याकरण जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है रस वाला, तो आपके लिए जितने भी हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसकी वीडियो हमने बना रखी है, वो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों, वहाँ पर आपको इस तरह के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी ये सारे कन्फ्यूजन क्वेश्चन होते हैं, तो इनको आप अपनी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने बताया कि रस को कहाँ कैसे किसने कितनी संख्या में डिवाइड किया, और रस से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाएँ तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से आपको एकदम अटेंटिव होकर के इसका आंसर देना चाहिए। तो दोस्तों, 53, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? हरगीतिका, कुंडलिया, सवैया और वरवै। तो दोस्तों, 53 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर बनता है कुंडलिया। क्वेश्चन नंबर 54 देखें, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, विशेषोक्ति और विभावना और डी भ्रांतिमान। तो दोस्तों, 54 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी विभावना। क्वेश्चन नंबर 55 पर, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों, 55 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी प्रतीप। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, दाम लगाना का अर्थ है मूल्य आंकना, पूरी कीमत देना, लागत मात्र देना, मोल भाव करना। तो 56 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए मूल्य आंकना। क्वेश्चन नंबर 57 देखें, जुबान पर लगाम ना होने का अर्थ है अस्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन कहना और सर्वत्र अपनी व्यंग्यमिता दिखाना। तो दोस्तों, जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ होता है आपका बी अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना, जहाँ पर आवश्यकता ना हो वहाँ पे अपने आप को स्पष्ट शो करना, एक तरह से जुबान पर लगाम ना होना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखें, टस से मस ना होना का अर्थ है कठोर हृदय वाला, अनुनय विनय से ना पसीजना, जगह ना बदलना, धैर्य पूर्वक सहन करना। तो दोस्तों, 58 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अनुनय विनय से भी ना पसीजना, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखें, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए का अर्थ है पैसा ही माँ बाप होना, अत्यधिक कंजूस होना, मक्खी चूस होना, मर जाए पर पैसा ना जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखिए 59 का जो सही आंसर होगा अत्यधिक कंजूस होना होता है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बी ऑप्शन आपका
सही है। क्वेश्चन नंबर 60 देखें, अब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत का, अर्थात समय रहते काम करना चाहिए, समय पर काम ना करने से बाद में पछताना पड़ता है, नष्ट फसल की रखवाली बेकार है, अपने सामान की रक्षा पहले ही करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 60 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, समय पर काम ना करने से बाद में पछताना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखें, वारिद का पर्यायवाची शब्द है, कमल, चंद्रमा, बिजली और बादल। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे वारिद, यहाँ पे क्या लिखा है, वारिद, वा री और दा, तो इसका मतलब होता है आपका डी, बादल। और यहीं पर अगर लिखा रहता आपका वारिज, वारिज, तो क्या हो जाता है, वारिद मतलब होता है बादल और वारिज मतलब हो जाएगा, तब फिर ये हो जाता आपका कमल, क्या हो जाता है, कमल। क्लियर? तो ये छोटी छोटी जैसे जलज और जलद, ये भी जलज, ज और द, जलद दोनों बादल और कमल के पर्यायवाची हैं, तो जहां पे द, ज, ल, द यानी कि बादल, ज, ल, ज यानी कि कमल, सेम ऐसे ही वारिद, वारिद मतलब बादल, वारिज मतलब कमल। क्लियर? इस तरह से कंफ्यूजिंग वाले थोड़े से वर्ड होते हैं, तो इनके एक-एक थोड़ा सा आप ध्यान देके जब पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर भी रहेंगी, और ये रटने वाली चीजें नहीं है, चीजें समझने वाली हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 देखें, भुजंग का पर्यायवाची शब्द है, केंचुआ, गिरगिट, सर्प और तोता। तो दोस्तों 62 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अमीय का पर्यायवाची शब्द है विष, सुधा, मधुप और आम्र। तो दोस्तों 63 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सुधा। क्वेश्चन नंबर 64, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है रत्न गर्भा, हिरण गर्भा, बसमती और स्वर्णमयी। तो दोस्तों 64 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, रत्न गर्भा। 65, सन्यासी का विलोम शब्द है राजा, भोगी, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य। तो दोस्तों 65 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, भोगी। स्वकीया का विलोम शब्द है 66, स्वीकृत, अस्वीकृत, नरकीय और परकीय। तो दोस्तों यहाँ पर 66 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, परकीय, स्वकीया का परकीया। 67 नंबर देखते हैं, श्री गणेश का विलोम शब्द है राधा, विनाश, श्री राधा यहाँ पर लिखा है, और इति श्री इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों श्री गणेश का विलोम आप सबको पता है, इति श्री जहाँ पे समाप्ति की बात होती है वहां पे इति श्री होता है, जहाँ पे शुरुआत की बात होती है वहां पर श्री गणेश होता है। क्लियर? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, आकर्षण का विलोम शब्द है आकृष्ट, विकर्षण, अनाकर्षण और पराकर्षण। तो 68 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, विकर्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखें, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया और छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। तो दोस्तों यहाँ पर हमें विराम चिन्हों का वाला वाक्य कौन सा है, सही विराम चिन्ह जिसमें लगा हो, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर हम देखेंगे सी ऑप्शन, छी, ये आपका सही विराम चिन्ह का यूज हुआ, तुमने तो नाम डुबो दिया। क्वेश्चन नंबर 70 देखें, जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं पहचानिए, दो संयुक्त क्रियाएं या एक साथ प्रयुक्त हों, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, क्रिया विशेषण में प्रयुक्त दो अवयव में, जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रणार्थक क्रिया आए, कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग। तो दोस्तों यहाँ पर 70 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी, जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं पहचानिए, कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, सेवा स्थान किसका उपन्यास है, राजेंद्र प्रसाद, प्रेमचंद प्रसाद और रागे राघव। तो दोस्तों 71 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सेवा सदन, प्रेमचंद जी का उपन्यास है। आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है, रामविलास शर्मा, रामनवर, रामवर सिंह और नरेंद्र, नरेंद्र मोहन और महीप सिंह। तो दोस्तों 72 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, नामवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 73 देखें, मैया कवहीं बढ़ेगी चोटी,
इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास। तो दोस्तों 73 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ए, सूरदास। क्वेश्चन नंबर 74 देखें। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आगत पति का, प्रोषित पति का, प्रवर्तस्य पति का और आगमिष्यत पति का। तो दोस्तों 74 का जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा डी, आगमिष्यत पति का। क्वेश्चन नंबर 75 देखें। तो जो कानून के अनुकूल ना हो, अवैध, जघन्य, अवध्य और अवैध। तो दोस्तों 75 का आपको क्लियर है बिल्कुल, अवैध चीज़ों को ही जो कानून के अनुकूल नहीं होती उनको क्या कहते हैं? अवैध कहते हैं। और 76 देखें, जो पूजा के योग्य हो, पूजनीय, पूज्य, पूजनीय और पूजनीय। पूजनीय होता है, क्लियर आपको पता होना चाहिए। 76 जो पूजा के योग्य हो उसको क्या कहेंगे? पूज्य। यहाँ पर अगर बर्तनी में भी कभी कभी आपको इस तरह के वर्ड दे देते हैं पूजनीय वाले, तो ये आपका बी ऑप्शन सही है, पूज्य। जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहेंगे? पूज्य। 76 आपका हो चुका है। अब हम देखते हैं 77। त्रिफला में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो 77 का आपको देखिए यहाँ पे त्रिफला यानी कि संख्यावाचक शब्द आया, तो ये द्विगु हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको समास, संधि या अलंकार या फिर वर्ण से संबंधित जो भी आपके अल्पप्राण, महाप्राण आते हैं या इस तरह की कोई भी आपको कोई भी दिक्कत आए, तो एक बार आप जरूर विजिट करिए हिंदी व्याकरण के, जो भी हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम से आपको भी वहाँ पे मिल जाएगा, आपको जो भी लिंक आपको चाहिए जैसे व्याकरण की लिंक या फिर आप अदर, जब आप आगे क्लास में जाएंगे बीएड फर्स्ट ईयर के सारे नोट्स आपको उसमें मिलेंगे, तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप बस पढ़ते जाइए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं कि तन मन धन में कौन सा समास है? अव्ययीभाव भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु और द्वंद्व। तो दोस्तों 78 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी। यहाँ पर हम देखेंगे तन मन धन सब में क्या हाइफन का यूज हुआ बीच में, और तन और मन और होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें 79 चक्र प्राणी में कौन सा समास है? अव्ययीभाव भाव समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो दोस्तों यहाँ पर बहुव्रीहि समास ही है, क्योंकि यहाँ पे चक्र प्राण, चक्र किसके हाथों में होता है? भगवान विष्णु के। तो यहाँ पर ये विष्णु भगवान को संबोधित किया जा रहा है। जब दो बड़ों का आपस में जब मेल हो उससे कोई तीसरा अर्थ निकले, और तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है? बहुव्रीहि समास आ रहा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? अधोगति, उच्चारण, दिग्गज। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका क्या है? मन्वंतर। 80 नंबर क्वेश्चन। तो 80 का जो सही आंसर होगा, निम्नलिखित में कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा मनुवंतर, मनुधन अंतर होता है, उ का वा हो जाता है इसमें, तो ये आपका यण संधि होगा, तो ये स्वर संधि के अंतर्गत आता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 81 देखें। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है विसर्ग, गुण, वृद्धि और यण। तो दोस्तों यहाँ पर 81 हम देखेंगे तो ये आपका गुण संधि है, ओ और ए की मात्रा आपकी गुण संधि में आती है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखें। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयात संधि। तो दोस्तों नायक ये आपका कौन सा संधि हो जाएगा? ये आपका डी आयाद संधि हो जाएगा, नए धन अक, ये आपका आयाद संधि में आता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद होगा, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, प्रतिधन अक, प्रतिधन एक। तो दोस्तों 83 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, प्रतिधन एक। क्वेश्चन नंबर 84 देखें। गिरीश का सही संधि विच्छेद होगा, गिरधन इस, गिरधन ईस, गिरधन इस, गिरधन ईस। तो दोस्तों यहाँ पे गिरीश 84 नंबर ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखें। बे इंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, बेधन, बे है, इन है, बे ई है और बे इन। तो दोस्तों यहाँ पर 85 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, बे इंसाफी में बे आपका उपसर्ग है,
क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द हैं सुयोग, विदेश, अत्यधिक और सुरेश। तो 86 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका उपसर्ग रहित, आपका डी है सुरेश। यहाँ पर हम देखें 87 निर्वासित में प्रत्यय इक नी और सित और ईत। तो दोस्तों यहाँ पर 87 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी इत, निर्वासित में इत प्रत्यय लगा है। क्वेश्चन नंबर 88 देखें, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्पद शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर हम देखें बैक, मुंह, प्रलाप, मर्म और प्रलाप। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन क्या है, बैक, बैंक है, यहाँ पर बैक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। 88 क्वेश्चन नंबर, बैंक, मुंह, मर्म और प्रलाप। तो दोस्तों यहाँ पर 88 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग, सहारा, सूचीपत्र, सियार और परिषद। तो दोस्तों 89 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी, परिषद। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाइए, लड़कापन और लड़काई और लड़कापन और लड़काईपन। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही वो हो जाएगा आपका सी, लड़कपन भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 91 सच्चरिता, यहाँ पर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 91 सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है, सत्चरित्र, चरित्र यहाँ पर चरित्रता और सच्चरित्र। तो दोस्तों 91 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, मूल शब्द क्या है, चरित्र है। क्वेश्चन 92 कौन सा व्यंजन स्पर्श नहीं है, या, ड, च, ता। तो दोस्तों यहाँ पर 92 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं ए, या, व्यंजन स्पर्श नहीं है या। क्वेश्चन नंबर 93 देखें, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, क, इक, आक और अक। तो दोस्तों यहाँ पर 93 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, अक यहाँ पर लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 94 देखें, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, पड़ोसी, गोधूम, बहु, सहित। तो दोस्तों यहाँ पर 94 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, तत्सम शब्द क्या है, गेहूं का गोधूम होता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखें, युवरूढ़ शब्द कौन सा, पीला, घुड़सवार, लंबोदर और नाम। तो दोस्तों 95 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, योग रूढ़ है लंबोदर, क्यों योग रूढ़ है, क्योंकि ये अलग अर्थ निकाला, लंबोदर लंबा है उधर जिसका, यानी कि भगवान गणेश जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखें, तो जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ और मिश्रित। तो दोस्तों 96 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी, यौगिक। तो दोस्तों 97 देखते हैं, यहाँ पर 97 से लेकर के 100 तक का यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है, उपयुक्त सबसे रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हैं, उसमें से सही ऑप्शन को हमें फिलअप करना है। तो 97 है, संविधान में हिंदी को खाली स्थान कहा गया है, आर्य भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। तो दोस्तों 97 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, राजभाषा कहा गया संविधान में हिंदी को। 98 देखें, मया मोही खालिस्तान बहुत खिजायो, आधा, दाऊ, सुदामा और सका। तो दोस्तों ये बहुत ही पॉपुलर है, मया मोही दाऊ बहुत खिजायो, ये आपका बी ऑप्शन सही जो है। क्वेश्चन नंबर 99 देखें, तो उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख खालिस्तान है, कहानीकार, निबंधकार, उपन्यासकार और डी, नाटककार। तो दोस्तों 99 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी, नाटककार, आपको खाली जगह में भरना रहता है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, युद्ध प्रधान एवं राष्ट्र चेतना परक कविताओं में खालिस्तान की प्रधानता होती है, ओज गुण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे ये हो जाएगा आपका ए, ओज गुण की प्रधानता होती है। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन 100 तक का, यहाँ पे 51 से 100 तक हम देखें तो यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन हो गए। तो 50 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और साथ ही अपना इसी तरह से मेहनत करते रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है। इसी तरह से खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।
जय हिंद।